हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिसंबर 2019 का BSHF 101 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने 9 दिसंबर को अपना एग्ज़ाम दिया था, आप सभी का ये क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे बाकी उन सभी स्टूडेंट्स के लेके आया हूँ जिनको 17 दिसंबर को अपना BSHF का एग्ज़ाम देना है। सो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन पेपर देखने में काफ़ी लेंदी होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल यहाँ पे 44 पेजेस होंगे। यहाँ पे ये आपको OMR सीट किस तरीके से फिलअप करनी है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको OMR सीट में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अगर दिए हुए ऑप्शंस में से आपका आंसर नहीं है तो आप वहां पे 0 को सर्कल कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको एक रफ वर्क के लिए पूरा कंप्लीट पेज दिया हुआ है, आप यहां पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको OMR सीट में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखना है। दोस्तों, यहां पे ये आपका क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिखाना चाहूँगा, इसके बाद में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। टोटल यहाँ पे जैसे मैंने बताया 44 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 21 तक इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, आप अगर इन्हें एक बार देखेंगे, अगर आपको लगता है कहीं पे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे राउंड करके और बाद के लिए छोड़ दीजिएगा, सो दैट आप वहाँ पर उस एक क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप बाकी के क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। एंड लास्ट में जब आपके पास में टाइम बच जाए तो आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे FST, BSHF इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई, इसलिए आपको जिस भी आंसर का थोड़ा सा डाउट लगता है, थोड़ा सा चांसेस लगता है, आप उसे सर्किल कर सकते हैं। दोस्तों, OMR सीट में अगर आप 2 ऑप्शंस को डार्क कर देते हैं, 2 सर्कल्स को डार्क कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपका जो सही वाला आंसर है आप उसे ही डार्क कीजिएगा। दोस्तों, सर्कल को डार्क करने के लिए, कलर करने के लिए आपको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करना है। अगर आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से एक बार सर्कल को डार्क कर देंगे तो उसके बाद में आप उसे इरेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों आप अपने आंसर्स को सर्किल करने के टाइम पे ध्यानपूर्वक उन्हें सर्किल कीजिएगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का इस टाइप का क्वेश्चन था कि हमारे BEGF, FEG2 या फिर BHDF, FHD इन सभी के लिए भी क्या हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ FST और BSHF के लिए आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। बाकी सभी आपके जो नॉर्मल वाले सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते थे उसी टाइप के कंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना ये क्वेश्चन पेपर दे दिया है, मतलब BA और BCOM वाले स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्हें देख कर और अपने लिए प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, सिर्फ FST और BSHF के ही एग्ज़ाम आपके MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कंडक्ट किए जाएंगे। इनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप का पेपर देते थे तो वहाँ पर आपके 1 या 2 नंबर कट कर दिए जाते थे, लेकिन अगर आपका यहाँ पर आंसर सेलेक्शन सही है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दोस्तों, इस बार आप खुद से ये देखेंगे कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 100 में से 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये था अभी आपका इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन पेपर BSHF 101 का। आप में से जो भी स्टूडेंट्स BSc एंड अदर प्रोग्राम्स वाले हैं, दोस्तों आप भी अपने एग्जाम्स के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी इसी टाइप के पूरे आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 50% इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी थोड़ा सा आपको जो साइंस वाला लेवल है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 96 के बाद में टोटल क्वेश्चन नंबर 100।
इसके बाद में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। दोस्तों दोनों के लिए ही, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में पेज दिया हुआ है रफ वर्क के लिए। आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं सामान्य निर्देश। दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। जो मेन मेन बातें थी मैं आपको यहाँ पे बीच बीच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको OMR शीट में किस तरीके से अपने आंसर टिक करने हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पे सिर्फ नीले और काले बाल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे आप उसे छोड़ दीजिए, वही बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है और पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। सो दोस्तों आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका इंग्लिश मीडियम है लेकिन कोई कोई वर्ड ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहे होंगे। सो उसके लिए आप वो सेम क्वेश्चन को हिंदी में भी देख के और अपने आंसर्स वहाँ पे टिक कर सकते हैं। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो सेम क्वेश्चन को वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स टिक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको जहाँ पे भी 19-20 का भी चांसेस लगता है कि आपका आंसर सही हो सकता है तो आप उसको टिक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप एक ही क्वेश्चन के दो आंसर वहाँ पे सर्किल कर दें। अगर आप दो आंसर को सर्किल करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे मार्क नहीं किया जाएगा। और दोस्तों चार ऑप्शंस में से अगर आपको लगता है कि चारों ही ऑप्शंस गलत हैं तो आपको जो आपकी OMR सीट है उसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 0, तो आप वहाँ पे 0 को सर्किल कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिए भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उन्हें क्लिक करके और अपने लिए बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों जो इग्नू की हेल्प बुक्स आती हैं जैसे नीरज पब्लिकेशन, गुली बाबा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चक्रधर, ये सभी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। आप अगर उनसे पढ़ के और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इजीली यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इग्नू की बुक से भी अपनी पढ़ाई की है और आपने अपने असाइनमेंट्स खुद से प्रिपेयर किए हैं पढ़ाई करके, तब भी आप यहाँ पे इजीली काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सोल्ड असाइनमेंट्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बिल्कुल भी एक को भी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप अटक जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लीजिए, निशान बना के रख लीजिए, ताकि जैसे ही बाद में लास्ट में आपको वक्त मिले तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना ये जो BSHF और FST का एग्ज़ाम देने जाएंगे उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, सो दैट आपकी परसेंटेज यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। जनरली दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया जाता है उस टाइम पर आप ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। अगर आपने सही आंसर को टिक किया है, सही आंसर को OMR सीट में सर्किल किया है तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा उन्हें ध्यान देके पढ़ के और उन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो इजीली ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर का PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा सकता हूं। या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके और इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये था आपके लिए BSHF 101 का BDP का क्वेश्चन पेपर, BA एंड BCOM वाले स्टूडेंट्स का, जो कि इसी टाइप का BSc एंड अदर प्रोग्राम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 17 दिसंबर को एग्ज़ाम देना है उनका भी इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। सो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए
आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।